मुझे लगता नहीं यहाँ पे ऐसा कोई परमिशन वगैरह का होगा, इनको ही थोड़े 100-200 रुपए खिला के काम बन जाता होगा क्योंकि ये यूपी पुलिस की तो है। पता है इंडिया में कैसे काम होता है। हाँ, इंडिया में ऐसे तो काम करवाने होते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स नॉट मॉर्निंग, इट्स आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है 1:00 इन द आफ्टरनून और अभी हम जा रहे हैं मेहताब बाग। सुबह एक्चुअली सब लेट ही उठे थे, अराउंड 10:30 के हमने ब्रेकफास्ट किया बाहर। सो बस अभी नहा धो के अभी हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मेहताब बाग। अभी मैंने ऊबर बुक कर ली है, अराइवल टाइम अभी 5 मिनट दिखा रहा है। सो मेहताब बाग एक्चुअली द बैक साइड ऑफ द ताजमहल। ताजमहल सबने देखा हुआ है, तो अभी वहाँ जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं और काफ़ी गर्मी आज इतनी नहीं है, थोड़ा क्लाउडी है मौसम, बारिश भी काफ़ी एक्सपेक्टेड थी लेकिन अब तक हुई नहीं है। सो बस ये हमारा होटल का रूम है, पीछे तब लोग तैयार हो रहे हैं और अभी हम निकलने वाले हैं और शाम को वी हैव टू अटेंड सम फंक्शन। तो यस, क्या अभी एक जगह ही घूम रही है गोल गोल, लगता है उसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है। तो मिलते हैं गाड़ी में, कैब वाले से हम डिस्कस कर लेते हैं अभी कहाँ आना है कहाँ नहीं। Guys, we are at Agra Fort area and we are heading towards the Mehtab Bagh in Uber. So abhi yahan se 13 minutes aur hai, 6 kilometers. So mausam bahut acha ho gaya hai, thodi bahut barish bhi start ho gayi hai bahar. Halki halki barish start ho gayi hai aur ye samne Red Fort ka gate aa gaya hai. Aaj Sunday karke rush kam hai yahan pe, nahi to baaki dino mein kafi khula rehta hai market wagera, to usme se rush kafi rehta hai. और ताजमहल का प्लान ड्रॉप करके हम मेहताब बाग जा रहे हैं इस बारी, क्योंकि हर बार ताजमहल तो देखा ही ना तुमने, सबने देखा हुआ ताजमहल, सिर्फ वरुण को छोड़ के, वरुण ने देखा शायद, साले देखा हुआ मैंने, तूने भी देखा हुआ। तो ये आ गया है रेड फोर्ट का गेट, सॉरी आगरा फोर्ट बोलते हैं इसको, आगरा फोर्ट बोलते हैं ना भैया, दिल्ली में रेड फोर्ट बोलते हैं इसको। ये इसकी एंट्री गेट है। I tried to give away all I had. My mind was full of my mistakes. I've been too fragile through my life, and I'm missing you so bad. Don't know if I should call you back. You know it's getting dark inside my head. I feel there's something that is stopping me now. तो गाइस, दिस इज द एंट्री गेट ऑफ मेहताब बाग और अभी हम, मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है, बारिश हल्की हल्की चल रही है ड्रिजल, और जयसवाल जी अपना अम्ब्रेला जो दिल्ली से लाए थे उसको होटल में भूल गए हैं, भूलने गए हैं क्योंकि हमको धूप में छाता याद आता, बारिश में नहीं आता। तो अभी हम जा रहे हैं ताजमहल के बैक साइड से जो व्यू आता है उस तरफ जाके थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह करेंगे, अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे नए नए फ़ोन से, 1+7 शॉट्स। सो अब आने वाला है ताजमहल ऑन माय राइट, दिख रहे पीछे ताजमहल, तो अब आगे से हम वहीं जाएंगे। मेहताब बाग पहले यहाँ पे इतना साफ़ सफाई नहीं होती थी, यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल ही गार्डन भी नहीं था, अब जाके इसको इतना मेंटेन किया गया है क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी टूरिस्ट आने लग गए हैं, क्योंकि जिन्होंने ताजमहल देखा होता बार बार उसी लाइन में लग के भीड़ में जाने का किसी को इतना मन भी नहीं होता, तो इस वजह से सब यहीं से आके पिक्चर्स क्लिक करवा लेते हैं। सो अब हम भी लोकेशन पे जाके एंट्री फीस का होता है। हाँ, और यहाँ की एंट्री फ़ीस भी है 25 रुपीज़ पर पर्सन अगर आप इंडियन हैं, और टिकट वाले ने हमको दो बार क्वेश्चन किया आप इंडियन हो या फॉरेनर हो, तो ऐसा फॉरेनर की कितनी, 250 रुपये। सो गाइस, दिस इज़ द ताज महल फ्रॉम द अदर साइड। अब इन दोनों के बीच में यमुना है, जब बेचारी दिल्ली से आ रही है घूमते हुए, और ये पता नहीं यहाँ पे क्यों इसको बंद किया हुआ इस एरिया को, कुछ पुराना एरिया है ये, और आप लोगों को पता है ताजमहल के नीचे कुछ इंडियन रिलीजियस चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसके बारे में हम आपको अभी खुल के नहीं बता सकते, आप उसके लिए और गूगल कीजिए। अब हम नीचे जा रहे हैं यमुना के किनारे पे, कुछ अच्छी पिक्चर्स और लेने के लिए, देखते हैं रास्ता कहाँ से, अभी तेज़ दिख रहा है,
आपने ताजमहल को हमेशा उस तरफ से ही देखा होगा, आज हम आपको ताजमहल इस तरफ से दिखा रहे हैं। और इसके उधर ही एक वो साइट थी जहाँ पे ब्लैक कलर का ही ताजमहल बना था, ब्लैक मार्बल का, तो जो कि नहीं बन पाया था। तो मौसम के कारण काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, थोड़ा चमक सी आ गई है ताजमहल में, हल्की हल्की ड्रिजल चल रही है। तो गाइस फोटोशूट हो चुका है, सो अभी यहाँ पे मेहताब बाग ये है एक्चुअली, और यहाँ पे छोटा सा और रास्ता है, तो जो ये नीचे वाला रोड है यहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे अभी हम फोटोग्राफी कर ही रहे थे तो 5 मिनट के अंदर ही पुलिस वाले कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे अलाउड नहीं है, यू हैव टू टेक परमिशन अगर आपको आगे भी जाना है फ्रॉम द DM। तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे ऐसा कोई परमिशन वगैरह का होगा, इनको ही थोड़े 100-200 रुपये खिला के काम बन जाता होगा क्योंकि ये UP पुलिस ही तो है। पता है इंडिया में कैसे काम होता है? हाँ, इंडिया में ऐसे तो काम करवाने होते हैं, नहीं तो आपके पास भैंस होनी चाहिए उसको चराने के लिए आप वहाँ जा सकते हो। मैं बोल देता हूँ एक भैंस मेरी है वहाँ पे, क्यों? हाँ भाई, इससे पहले कई भैंस नहीं, भैंस पानी में हो जाए तो वहाँ पे देखो भैंस चराने वाले वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था ताजमहल को दूसरी साइड से देखने का। क्यों भाई, पहली बार ही आए हैं सब यहाँ पे? हाँ भाई, बहुत बढ़िया। हमने वहीं से देखा ताजमहल, पहली बार आया हम सभी इस तरफ से, पहली बार आया। मैंने भी काफ़ी नेट पे सुना था, बेस्ट पार्ट तो है कि मौसम सबसे बढ़िया हो गया, नहीं तो धूप में यहाँ पे सब सिकरे होते अच्छे से आके। 15 मिनट में निकल गए होते, 15 मिनट में हम निकल भी गए होते। अब थोड़ा मौसम अच्छा है तो आधा पौना घंटा हो चुका है, और हमने अपने कैब वाले को बाहर वेट करवाया हुआ है कि बिना मीटर के वेट कराया कि भाई यहाँ कैब थोड़ी कम मिलती है, तो अपनी गाड़ी का इंतज़ाम कर लो। गाड़ी का इंतज़ाम कल से हम ड्राइव ही कर रहे, तो आज हमने कैब लेने का लिया कि भाई थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, और पार्किंग का भी इशू रहता है। वैसे पार्किंग अच्छी थी, खाली एरिया था, ताजमहल जैसा कुछ रश नहीं है यहाँ पे। तो मिलते हैं आपको ऑन द वे बैक टू होटल, थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं। और अभी बज रहे हैं 2 बज चुके हैं, 3 बजे से इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी आज वर्ल्ड कप का, और हम इंडिया को चीयर अप कर रहे हैं, और बारिश को थोड़ा चीयर कम करना है क्योंकि बारिश के 8 पॉइंट हो चुके हैं, न्यूजीलैंड के 7 पॉइंट और बारिश के 8 पॉइंट हैं, 3 मैच 4 मैच जीत चुकी है बारिश। तो अब आज का हम नहीं चाहते कि मैनचेस्टर में बारिश हो। सो फार सो गुड, आपको मिलते हैं ऑन द वे बैक टू होटल। And I try to forget all what I had, but is my mind really gonna cut you out? I feel like no prayers are gonna help myself. No, don't know if I should call you back. You know it's getting dark inside my head. I feel there's something that is stopping me now. So guys, we are going back from Mehtab Bagh. ये थोड़ा गार्डन एरिया है यहाँ पे, जस्ट बच्चे लोग काफ़ी खेलने आते हैं। सो यस, इंडिया पाकिस्तान का भी मैच शुरू होने वाला है, इट्स 2:30। देखियो टॉस वॉस हुआ है कुछ, कहीं बारिश चल रही हो हमें पता भी ना हो। कहाँ से है? अच्छा, अभी हम और आगे से हैं वहाँ से। ओ यस, दिस इज़ द ब्यूटीफुल गार्डन, नॉट द ब्यूटीफुल, पर काफ़ी अच्छा मेंटेन कर लिया गया है। पहले के टाइम में तो यहाँ पे इतना भी नहीं होता था, सिर्फ जंगल जंगल झरा होता था, और आप काफ़ी आगे तक जा सकते थे, लेकिन अब काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और पुलिस वगैरह वाले आगे बैठे हुए हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाने देते रिवर के। तो यू हैव टू टेक सम परमिशन फ्रॉम DM, नहीं तो इनको ही पैसे खिला दो, वो ज़्यादा अच्छा आइडिया रहता है। चुप, तो आगे थोड़ा पानी है और इधर से हम थोड़ा इधर से आ जाते हैं रास्ते में। तो चलो बाहर जाके हम कैब वाले को ढूंढते हैं, काफ़ी ह्यूमिड हो गया है यहाँ पे मौसम, हवा चलना एकदम बंद हो गई है, बारिश ने एकदम हीट वाली गर्मी को ह्यूमिड कर दिया, पानी आगे भी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अभी हम होटल रूम में पहुँच चुके हैं, इट्स 5:15 इन द आफ्टरनून, गाड़ी हमारी खड़ी हुई है, पार्किंग एकदम खाली है। सो विजिटेड मेहताब बाग टुडे, तो बस अब कल मिलते हैं, फंक्शन के लिए हमको रेडी भी होना है, यहाँ से बारात वगैरह में जाना है, तो उसके बाद ही मिलते हैं। एंड हमने रूम चेंज करवा लिया है क्योंकि उसमें कंप्रेसर वगैरह कुछ इशू था, तो अभी हम
पहले हम 102 में थे, नाउ वी आर ऑन 104. सब लोग मैच देख रहे हैं, कंप्रेसर चालू हुआ नहीं है. चालू हो गया कंप्रेसर चालू. हाँ भाई, अब तो लेवल आ रही है. चलो हो जाएगा घंटा. बनाया वैसे सेम ही बंदों ने, दोनों शाहजहां के. अकबर, सॉरी, कुछ भी बोल. एंट्री के पैसे भी नहीं देते, बार बार से आते हैं आपके. और वो देखना, बार बार से एंट्री है इसकी, वो इस चीज़ की. हाँ, ये सही है. कहाँ है वो जेसीबी की खुदाई चल रही है दोस्तों? वहाँ से देखना, वहाँ से एंट्री. इट्स द वर्ल्ड फेमस खुदाई, जेसीबी की खुदाई यमुना को साफ करते हुए. और यहाँ से यमुना का फ्लो भी हमको काफ़ी तेज दिख रहा है. Feel there's something that is, feel there's something that is, feel there's something that is stopping me now. Oh.